जन्मभूमि अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। भगवान श्री राम हिंदुओं की आस्था के महान प्रतीक है। आइए जानते हैं उनसे जुड़े ऐसे 5 रहस्य जिनसे शायद ही आप रूबरू होंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे और नीचे दिए गए घंटी के बटन को दबाना न भूले। कि श्री राम ने किया था माता सीता का परित्याग। उत्तर रामायण में ये वर्णन मिलता है कि भगवान राम ने माता सीता का परित्याग कर दिया था। कहते हैं रामायण का उत्तराखंड बौद्ध काल में जोड़ा गया है क्योंकि मूल रामायण में उत्तराखंड का जिक्र नहीं मिलता। शहर शहर होने वाली रामलीला में भी लंका विजय के बाद रामायण समाप्त हो जाती है। राम कथा पर सबसे प्रामाणिक शोध करने वाले फादर कामिल बुल्के का स्पष्ट मत है कि वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड मूल रामायण के बहुत बाद में जोड़ा गया है। ये था भगवान श्री राम का वंश। हिंदू धार्मिक शास्त्रों के अनुसार वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे, इल, इक्ष्वाकु, कुशनाम, अरिष, धृष, नरिश्चंद, करुष, महाबली, शर्याति और पृषद। श्री राम का जन्म इक्ष्वाकु के कुल में हुआ था। जैन धर्म के तीर्थंकर नीमि भी इसी कुल के थे। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे। हालांकि उन्होंने अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ एक आम इंसान के रूप में ही जन्म लिया था, लेकिन व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है और उनकी महानता उनके उच्च आदर्श, वचनबद्धता और कर्तव्य निष्ठा है। इसलिए वे हिंदू आस्था के बड़े केंद्र है जिन्हें भगवान के रूप में पूजा जाता है। लोक कथा के अनुसार शांता राजा दशरथ और कौशल्य की पुत्री थी, लेकिन माता कौशल्या ने उसे अपनी बहन वर्षिणी को गोद दे दिया था जिसकी कोई संतान नहीं थी। बाद में राजा रोमपाद ने श्रृंगी ऋषि से उनका विवाह हुआ। कर्नाटक के श्रृंगेरी में श्रृंगी ऋषि के नाम पर ही श्रृंगेरी शहर का नाम रखा गया है। श्री राम ने अपने प्राण से प्रिय भाई लक्ष्मण को दिया मृत्युदंड। संपूर्ण रामायण का सार मर्यादा में रहकर वचन और कर्तव्य का पालन करना है। इसके मुख्य किरदार भी भगवान श्री राम है। कहते हैं भगवान श्री राम ने अपने वचन का पालन करते हुए अपने प्राण से प्रिय भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड का आदेश दे दिया था। तो दर्शकों, कैसे लगे आपको ये जानकारी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।